स्वरूप को जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर हमें दिया है। और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमें संभाल करके रखता है। और वह परमेश्वर का निरंतर हमें धन्यवादी होना चाहिए, क्योंकि वह हमें संभालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जितना ज़्यादा उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। और हमें हर दिन खुश रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यदि वो सृष्टि का कर्ता हमारे साथ में है तो हमें किसी भी बात का चिंता नहीं होना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। और यदि वह हमारे साथ रहता है तो इसका मतलब है कि किसी भी बात की चिंता हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी बात से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वह अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे संग संग रहता है। इसलिए निरंतर उस परमेश्वर को अपना आधार मानते हुए, अपना भरोसा उस पर बनाते हुए निरंतर उससे हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारे चेहरे पर खुशी झलकते रहे। हालेलुया। क्योंकि जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वह परमेश्वर जानता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मुझ पर भरोसा बनाए रखते हैं, और जो मुझ पर भरोसा बनाए रखते हैं मैं उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता हूँ। इसलिए निरंतर उस परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें, क्योंकि वह अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है। वह हमेशा ये बताता है, यदि हम किसी परिस्थिति में हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, परंतु उस घड़ी में प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें खुश रहने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 4वां पद से कि प्रभु में सदा आनंद रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंद रहो, हर बात में तुम्हारा प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप में उपस्थित किए जाएं। तो वह परमेश्वर जानता है कि लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे, कि मैंने उन्हें अपनी समानता में बनाया है। और जब वह जान जाएंगे कि मैंने उन्हें अपनी समानता में बनाया है तो मुझसे प्रार्थना करेंगे, और मैं उनके जीवन में कार्य करके उनके जीवन में खुशी और आनंद को दूंगा। क्योंकि मेरे लिए कौन सा ऐसा काम कठिन है जो मैं काम नहीं कर सकता, मैं हर काम कर सकता हूँ।